Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I'm going to start with part 4 of exercise 3.3. Question number 5, the first one. Question hai, we need to find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers. और नंबर है 3, 6, 10 and 15. तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले एलसीएम निकालना है. सो हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले एलसीएम निकालना है 3, 6, 10 and 15. सो 2, 3, 3, 5, 15. आई होप आप लोगों को एलसीएम निकालना तो आता ही होगा और आना ही चाहिए. नेक्स्ट अब आएगा 3, 1, 1, 5, ये 5. लास्ट में 5, 1, 1, 1 and 1. सो हमारा एलसीएम क्या निकला, 2 × 3 × 5 विच इज 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30. अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब आप यहाँ पे देखिए, ये सारा डिजिट्स अकेला है, इन लोगों का कोई पेयरिंग नहीं है. 1, 3 and 5 दे आर ऑल सिंगल. तो इसको, इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए हमको पेयरिंग की जरूरत है. दैट मीन्स वो होना चाहिए 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5. अब ये हो गया पेयरिंग. तो अब हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा ये देखिए. तो इन शॉर्ट हम लोग क्या करेंगे, 30 × 30 दैट विल गिव अस 900. So 900 is the smallest square number which is divisible by each of these following numbers. Second one. Again the numbers are 6, 9, 27 and 36. तो अब यहाँ वापस से हम लोग इसका LCM निकालेंगे. 6, 9, 27, 36. So 2, 3, 9, 27, 18. Again 2, 3, 9, 27, 9. Now 3, 1, 3, 9, 3. Again 3, 1, 1, 3, 1. And lastly फिर से 3. So हमारा यहाँ पे LCM क्या निकला, 2 × 2 × 3 × 3 × 3. अब यहाँ देखिए, एक पेयरिंग, टू पेयरिंग, ये नंबर अनपेयर्ड है. तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. हम लोग को एक और 3 चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट अ कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर. तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करके. तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है 108. लेकिन ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 एक और चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट अ पेयर. तब हम लोग क्या करेंगे, 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमको आंसर मिलेगा 324. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी पेयरिंग चाहिए और जो नंबर सिंगल है उसी नंबर से वापस उसको मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा. आप आगे इस तरह वीडियो देखते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. द नंबर्स आर 4, 7, 8 and 16. सबसे पहला स्टेप है इन लोगों का एलसीएम निकालना. 4, 7, 8 and 16. 2, 2, 7, 4, 8. 2, 1, 7, 2, 4. 2, 1, 7, 1, 2. Again 2, 1, 7, 1, 1. And lastly 7, 1, 1, 1, 1. So LCM क्या है, 2 × 2 × 2 × 2, 4 × 2 × 7.
सबसे पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आया 112। अब यहाँ पेयरिंग करिए तो विच इज अनपेयर्ड 7। तो इसको पेयर करने के लिए हम लोगों को एक और 7 चाहिए, हेंस हम लोग क्या करेंगे 112 इंटू 7 करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 784। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बोला गया है दैट 4,225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। सो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट मेंशन है और हम लोगों को इसको ऐसा अरेंज करना है कि नंबर ऑफ रोज और एक रो में जितना प्लांट है वो दोनों इक्वल हो। यानी कि वो जो फॉर्मेशन होगा इट शुड बी अ स्क्वेयर जहां पे आपका बोथ साइड इक्वल होता है। तो जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स होना चाहिए, राइट। सो लेट मी बिगिन। सो लेट टोटल नंबर ऑफ रोज बी एक्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज एक्स। सो टोटल प्लांट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ऑलराइट, वो हो जाता है एक्स स्क्वेयर। अब यहां क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ था वो है 4225। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4225। आप समझिए ये एक्स स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू द नंबर्स ऑफ प्लांट इन ईच रो। तो यानी वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो एक्स इंटू एक्स वो हो गया टोटल नंबर ऑफ प्लांट, राइट। फॉर इंस्टेंस हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर 4 रोज है ऑलराइट और एक रो में 4 प्लांट्स है, सो टोटल प्लांट कितना हुआ 4 इंटू 4 16। वही चीज यहाँ पर है, वही चीज बोला गया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पे हम लोग वही चीज किए हैं, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर जो कि है टोटल प्लांट उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही हुआ है विच इज 4,225। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 4, 2, 2, 5। सो 5, 8, 45, अगेन 5, 169, देन कम्स 13, 13 times एंड 13, 1। तो यहाँ पे देखिए ये पेयरिंग किया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 5 to the power 2 इंटू 13 to the power 2। सो नेक्स्ट लाइन, अब हम लोग ये स्क्वायर सबका हटा देंगे तीनों टर्म से, तो क्या बचता है x इज इक्वल टू 5 into 13 और x इज इक्वल टू 65। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 65 and number of plants in each row is equal to 65 क्योंकि question में mention था they should be equal. So this is the answer. Thanks for watching my video and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon and select all for every update.